कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात, इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। जातीय समूह को यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए आपने सुना होगा लोहार समाज को यहाँ से रिकमेंड कर दिया कि एसटी हो जाएंगे, कि जनगणना हो जाने से ही अगर लोगों की स्थिति सुधर जाती तो बिना जनगणना के मैं आपको बता सकता हूँ कि 13 करोड़ बिहारी जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। अब सारे दलित को ही आपने महादलित कर दिया और उनकी स्थिति वही बनी हुई है। तो लाइब्रेरी में बैठ के, पुस्तकालय में बैठ जाने मात्र से आपके पास दुनिया की सारी किताब आप रख दी जाए तो आप आइंस्टीन थोड़ी ना हो जाइएगा। देखिए, कोई भी ऐसी जानकारी जिससे सरकार के पास लोगों के विषय में, उनके हालात के विषय में सामाजिक आर्थिक बेहतर जानकारी पहुंचे, उसका स्वागत है। तो उस नज़रिए से जनगणना, सर्वेक्षण, समीक्षा, इन सब चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात, इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहा है। वैधानिक आधार इसलिए नहीं है कि जो जनगणना है ये केंद्र का विषय है। जैसे आपने देखा है कि कई जातीय समूह को यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए आपने सुना होगा लोहार समाज को यहाँ से रिकमेंड कर दिया कि एसटी हो जाएंगे, बच्चे एग्जाम दे गए, नौकरी लग गई, उनको एसटी के आधार पर फिर हटा दिया गया, क्योंकि वो बिहार सरकार के परिधि में ही नहीं आता, अधिकार के परिधि में ही नहीं है। जितने हमारे नोनिया बिंद समाज के लोग हैं, इनको कह दिया कि इनका कैटेगरी चेंज करने के लिए, कि हम रिकमेंड कर दिया, केंद्र सरकार ने उसको माना नहीं। तो जनगणना का जो लोग इसको समझते हैं, ये आपको देखना चाहिए कि इसका वैधानिक आधार क्या है, या फिर एक प्रशासनिक एक्सरसाइज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, जिसमें लोगों के बारे में, उनकी सामाजिक आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उसका किया जाना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसका वैधानिक अधिकार आधार क्या है, इस पर नीतीश कुमार से कोई सवाल न कर रहा है, ना नीतीश कुमार या उनकी सरकार बोल रही है इसका वैधानिक अधिकार क्या, आधार क्या है, या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, या मैंडेटरी है कि आप सिर्फ चुनाव में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जनगणना करा रहे हैं। और दूसरा, जो मेरे नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जनगणना हो जाने से ही अगर लोगों की स्थिति सुधर जाती तो बिना जनगणना के मैं आपको बता सकता हूं कि 13 करोड़ बिहारी जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं, आप उनकी स्थिति सुधार दीजिए। इसके लिए नई जनगणना क्या जरूरत है, तो रोज सर्वे आ रहा है कि हम लोग विकास के सभी पैरामीटर पर सबसे पीछे हैं, तो उसको सुधारने से आपको कौन रोक रहा है। दलितों की जनगणना देश की आजादी के बाद से हो रही है और दलित आज भी समाज के आर्थिक सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े, सबसे निचले पायदान पर लोग हैं। तो सिर्फ जनगणना, समाज को यह समझने की बात है कि सिर्फ जनगणना हो जाने मात्र से आपकी स्थिति नहीं सुधरने वाली। अगर उसका वैधानिक आधार हो भी जाए तो पहली बात कि इसका इसके पीछे नियत क्या है, यह समझिए। दूसरी बात, इसका वैधानिक आधार है कि नहीं, इस पर सरकार को स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए। और तीसरा, अगर इसको आपने करा भी लिया तो आपके पास योजना क्या है। आप तो आज 10 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं, दलितों को आपने दलित महादलित किया, महादलित में आपने शुरुआत की 4 वर्गों से, अब सारे दलित को ही आपने महादलित कर दिया और उनकी स्थिति वही बनी हुई है। तो लाइब्रेरी में बैठ के, पुस्तकालय में बैठ जाने मात्र से आपके पास दुनिया की सारी किताब आप रख दी जाए तो आप आइंस्टीन थोड़ी ना हो जाइएगा। किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, आप में वो विद्वता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। तो जनगणना वही है, लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा, अति पिछड़ा में NX1 NX2, कभी NX2 को उठा के 1 में डाल देते हैं, 1 को उठाकर ST में डाल देते हैं। जो उस समाज के लोग हैं, जरा जाकर देखिए तो कि क्या उनकी स्थिति सुधरी है। NX1 माननीय कर्पूरी जी ने बनवाया, NX1 जो कर्पूरी जी ने बनाया और आज जो NX1 है उसका फर्क देख लीजिए, और देखिए कि जिन जाति समूह को NX1 में जोड़ा गया है उसका आधार क्या है। ये भी देखिए कि जो शुरू से NX1 में थे उन समाज के लोगों की स्थिति बेहतर हुई क्या, उनकी शिक्षा की स्थिति सुधरी।
क्या उनके समाज से अच्छे लोग निकल कर आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, उद्योग में आ रहे हैं, उनके बच्चे ज्यादा ग्रेजुएट कर रहे हैं? चर्चा इस पर होनी चाहिए। अगर गन्ना हो भी जाए तो उससे होना क्या है? मैं बिल्कुल गन्ना के पक्ष में हूं, गन्ना होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई योजना भी तो होनी चाहिए कि गन्ना होगी तो क्या होगा। उसके लिए सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास है, समाज को बांटने, लड़ने लड़ाने का प्रयास है कि आधा समाज ये कहने लगे कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, आधा समाज ये कहने लगे कि जनगणना होनी चाहिए, इस पर एक और चुनाव निकल जाए, गोटी अपनी बना ली जाए, बस इतना ही प्रयास है इसका। इसके पीछे कोई समझ नहीं है, कोई सोच नहीं है। अगर जातीय जनगणना इतना ही जरूरी था, इसी से बिहार का विकास होना है, मान लीजिए कि होना है, तो नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये समझ उनको आज क्यों आई है भाई? पहले क्यों नहीं कराया? ये तो सवाल आप लोग पूछिए नीतीश कुमार से, तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए। आप लोग सवाल ही गलत पूछ रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर होना चाहिए तो ये पहले क्यों नहीं कराया? इसका वैधानिक आधार क्यों नहीं बनाया? जब आप भाजपा के साथ थे तो क्यों नहीं आपने इसके लिए वैधानिक आधार सुनिश्चित किया? और अगर आप करा के आ रहे हैं तो आपके पास योजना क्या है ये बताइए, कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी, कम होगी, उनका शैक्षणिक स्थिति खराब है, उसके लिए कौन सा स्कूल नया बनाइएगा, उनको क्या सुविधा ज्यादा दीजिएगा, उसके उसको भी बताइए। कि जो सरकारी आंकड़े अभी अवेलेबल हैं उसके मुकाबले अगर कोई नई जानकारी आएगी तो उसके लिए सरकार कौन से नए प्रयास करेंगे, ये भी तो बताइए। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं समाज के लोगों को है, उन्हीं गरीबों गरीब के बच्चों को है जिसकी राजनीति ये लोग करते हैं। बिहार में समाजवाद के नाम पर राजनीति चल रही है पिछले 30-40 साल से। कांग्रेस की भी राजनीति यहां पर समाजवादी पृष्ठभूमि वाले लोग ही करते रहे हैं, और बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। किसी ने भूमि सुधार की बात कही है क्या बिहार में आज तक? आप बताइए तो। पूरे देश में 38% लोग भूमिहीन है, बिहार में भूमिहीनों की संख्या 60% है। बिहार में भूमि सुधार की चर्चा लालू जी की पार्टी ने कभी की? भूमि सुधार की चर्चा नीतीश कुमार ने कभी की या कांग्रेस ने कभी की है? और ये लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं, ये दबे कुचलों की बात कर रहे हैं, ये भूमिहीनों श्रमिकों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बात करेंगे? 40 साल बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूहों में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे, मैं तो मन से रोज कह रहा हूं। जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, लालू जी ये कहां कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, मांझी जी ये कहां कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए? ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए, और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई।